The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, agar aap 40 saal ke ho aur female ho, to 40 saal ki umar mein aapko kin baaton ka dhyan rakhna zaruri hai? नॉर्मली वैसे तो वो कहते हैं भाई 40 आजकल का नया 30 है, तो 40 इतने ज़्यादा नहीं हुआ, तो आप 30 के ही हो नॉर्मली, इतना ही बोला जाता है। बट देन क्यों? क्योंकि आज के डेट में कई लोगों में हेल्दी हैबिट होते हैं, लेकिन फीमेल जो है इनको 40 साल की उम्र में काफ़ी कंसर्न हो जाते हैं, मेडिकल हेल्थ कंसर्न्स, स्पेशली वेट के लिए मेडिकल कंसर्न्स, हेल्थ न्यूट्रिशनल कंसर्न्स। एक तो न्यूट्रिशनली उनकी नीड जो है और उनका खुद का मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होता है इस उम्र में। 40 साल की उम्र में आपकी नीड्स, आपको क्या न्यूट्रिशनल फूड, पानी, खाना पीना क्या चाहिए और आपकी बॉडी उसको एनर्जी में किस रेट में मेटाबोलाइज कर रही है वो बदल जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आप एक फीमेल बेसिकली हर साल उसके बाद आधा पाउंड मसल लूज करती है। पाउंड बेसिकली मतलब क्वार्टर, टू फिफ्टी ग्राम्स ऑफ मसल्स लूज करती है। एक पाव मसल्स लूज करती है एवरी ईयर आफ्टर 40। तो मसल आप लूज करने वाले हो, द मतलब आप मसल लूज करोगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म भी लूज होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो वेट लूज होना मुश्किल हो जाएगा, राइट? ये याद रखिए। सो सम ऑफ द चेंजेस जो आप एक्सपीरियंस करोगे वो इनके वजह से होते हैं। कुछ चेंजेस हॉर्मोन्स के वजह से होते हैं, हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल रिड्यूस होती है और आपके मेडिकल कंडीशंस जो भी हैं, नहीं भी हैं तो आने लगते हैं। सो व्हाट यू ईट इज वेरी वेरी इवन मोर इम्पॉर्टेंट एज यू आर अबव 40, ठीक है? जो फीमेल्स यू नीड प्रोटीन, ठीक है ना, पहले लिया नहीं लिया, अब लेना है क्योंकि अब नहीं तो मसल लॉस हो रही है, ठीक है? मसल लॉस हो रही है, उसको मिनिमाइज करने के लिए यू नीड प्रोटीन। सो यू नीड योर व्हाटएवर, इफ योर नॉन वेज हो तो मीट, फिश, एग खाओ, डेयरी पियो, नहीं पी सकते हैं वेजिटेरियन तो बीन्स, नट्स, वेजिटेबल्स, ये सब बीन्स ज़्यादा खाइए, राइट? सोया बीन्स एंड ऑल, राइट? आपके लेंटिल्स, दालें खाइए। यू नीड होल ग्रेन्स, सिंपल कार्ब्स बंद कर दो, हेल्दी फैट्स खाना है, ओमेगा 3 ऑयल्स चाहिए, वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर तो चाहिए ही चाहिए सबको, ठीक है? अब ऑब्वियसली अगर हम एक बैलेंस डाइट की बात करेंगे जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, वाइटामिन ज़्यादा हो, मिनरल्स हो, तो हम ना सिर्फ वीकनेस को कम करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी के कमजोर होने के चांसेस को कम करेंगे। यहां तक के ये बोला गया है कि अगर आप हेल्दी फूड, हेल्दी एस्पेक्ट में लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो इसका ये सारी चीजों में ट्रीटमेंट में भी 100% इफेक्ट आता है, ट्रीटमेंट में भी बहुत अच्छा योगदान देता है, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीजेस को प्रिवेंट ही नहीं, ट्रीट भी करेगा। सो न्यूट्रिशन, राइट? अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हो अपने न्यूट्रिशन को लेके और आप 40 के हो चुके हो, होने वाले हो, तो सीरियस हो जाओ भैया। वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खाना है, फीमेल्स के लिए मेनली, मेल्स के लिए भी अप्लाई करता है, बट मेल्स फीमेल्स दोनों में एक्टिविटी लेवल मेल्स की फिर भी बड़ी रहती है, मे बी वर्किंग फीमेल्स में भी वही रहेगी, लेकिन जो हाउस होल्ड है, जो नहीं काम करती है, उनकी तो बहुत कम हो जाती, राइट? सो यू नीड टू चूज अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रेड ऑरेंज बीन्स, पीज, स्टार्ची नॉन, ये सारी लाल हरी नीली जितनी भी सब्जियां हैं वो खाओ, बीन्स खाओ, दालें खाओ, फ्रूट्स खाओ, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाओ और ग्रेन्स जो है होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, मैदा नहीं खाना, होल ग्रेन खाना है, होल ग्रेन, मल्टी ग्रेन खाइए, फैट फ्री या लो फैट डेयरी खाना है, दूध या तो पीना तो फैट फ्री, लो फैट, डबल टोन्ड या टोन्ड से भी मलाई निकाल के, राइट? उसी का फिर दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ आपने यूज करना है, ठीक है? सो हर खाने में, हर मील में आपको प्रोटीन लेना, सबसे बड़ा रूल लिखित में ले लो, सबसे बड़ा रूल है हर खाने में आपको
प्रोटीन लेना, हर मील में आपको यू नीड प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन, राइट। यू कैन ईट नॉन वेज, यू कैन ईट वेज, वेज है तो किसी बार नट्स खा लो, कभी बीन्स खा लो, कभी दाल खा लो, कभी सोया खा लो, कभी पनीर खा लो। नॉन वेज है तो कभी चिकन डाल लो, कभी एग डाल लो, कभी कोई फिश खा लो। हेल्दी ऑयल्स यूज़ करिए, जैसे कि अगर आप मिनिमम कुकिंग कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल, और ज़्यादा इंडियन बेस्ड कुकिंग कर रहे हैं तो ओमेगा थ्री रिच ऑयल्स जैसे मस्टर्ड ऑयल, राइट, अपना कैनोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल बेटर है। घी 1-2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं, देसी घी, यस। वुमेन्स शुड कंज्यूम लेस देन 10% ऑफ देयर डेली कैलोरीज फ्रॉम एडेड शुगर्स, डेजर्ट्स या प्रोसेस्ड फूड। शुगर, डेजर्ट्स या प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, 10% से कम खाना है पर डे में, राइट। जो चीनी वीनी डलती है ना चाय में, दही में, वट एवर इट इज, वो भी 10% हो जाती। सो लेस देन 10% ऑफ योर होल कैलोरीज फ्रॉम डेजर्ट्स, प्रोसेस्ड फूड, शुगर। लेस देन 10% फ्रॉम फैट, सैचुरेटेड फैट्स एंड हाई फैट डेयरी। लेस देन 2,300 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम पर डे, सोडियम कम खाना है, 2,300 मिलीग्राम्स के कम खाना, लो सोडियम, राइट। एंड नॉट मोर देन वन ड्रिंक, इफ यू आर ड्रिंकिंग, दारू पी रहे हो तो एक ड्रिंक से ज्यादा नहीं पीना है, राइट। और अगर नहीं पी रहे हो तो वेरी गुड, फीमेल्स के लिए वाटर। और कैल्शियम, डाइट्री फाइबर, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, लिख लो, कैल्शियम, फाइबर, पोटेशियम, ए, विटामिन ए एंड विटामिन सी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेली डाइट में, इनसे रिच वाली चीज कोई ना कोई चाहिए। देख लो ऑनलाइन ये कैल्शियम किसमें है, इसमें क्या क्या है, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, चलिए। सो व्हाई योर मेटाबॉलिज्म इज ड्रॉपिंग, मेटाबॉलिज्म क्यों भाई साहब, जैसे बहन जी, मैडम सॉरी, 40 साल की उम्र के बाद आपका ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप करता है, दिस विल कॉज, ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप करता है, दिस कॉजेज योर इंसुलिन हॉर्मोन जो आपके शुगर लेवल्स को अंदर ले जाता है टू ड्रॉप। तो शुगर, इंसुलिन लेवल ड्रॉप हो जाएंगे, थायराइड लेवल्स नीचे जाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन आपको और भूख लगाएगा, आपको हंग्रियर करेगा, तो आप ज़्यादा खाने लग जाओगे और ऑलरेडी कम कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो मोटे होने लग जाओगे। सो गेन वेट होने लग जाता है बेली में, बट में, फाइबर कम खाओगे वो भी दिक्कत हो जाती है। सो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, ईट मोर फाइबर, तो फाइबर ज्यादा आपको भर देगा, इट विल फिल यू अप एंड यू विल नीड लेस फूड टू सेटिस्फाई योर सेल्फ। ईच एम फॉर 25 grams ऑफ फाइबर ईच डे, 25 ग्राम फाइबर नॉर्मल आदमी जो खा रहा है, नॉर्मल फीमेल जो खा रहे हैं वो बन जाता है सिर्फ 15 ग्राम, सो यू नीड 10 grams मोर फाइबर, डबल कर दो, राइट। सो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का और तरीका क्या है, ईट ब्रेकफास्ट जरूर खाओ, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज जरूर करो, ठंडा पानी पियो नॉर्मल से, थोड़ा ठंडा, नींद अच्छी लो, और थोड़ा सा स्पाइसी फूड भी आपको हेल्प करेगा, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और व्हाट यू नीड टू कंसीडर, एक सेकंड, हेलो, वेट कर दो मिनट, हाँ जी, हाँ बोल जल्दी बोल, 10 मिनट रुक जा, मैं आके बात करूंगा, हाँ जी। सो What you need to consider, things to consider. After 40, most women, ज़्यादातर women के belly में fat आ जाता है. Belly fat is linked to diabetes, heart disease, दिमाग में problem, dementia, cancers. यहाँ belly fat मत आने दो, मोटा पेट मत होने दो, it is linked to diseases. जितने लोगों को हो रहा है याद रखो, you need to lose it, right? Muscle loss हो रही है और men से double हो रही है, मेन से डबल स्पीड में हो रही है, आपके कोर मसल्स की हो रही है, आपके एब्डोमिनल मसल्स की हो रही है। सो डोंट डू योर क्रैश डाइट, क्रैश डाइट से क्या हो जाएगा, और ज्यादा मसल लॉस होती है। सो डोंट डू क्रैश डाइट, डू अ प्रॉपर डाइट, गुड प्रॉपर डाइट प्लान जो लंबे समय में काम आए। ये नहीं कि आज से मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज से मैं बिल्कुल भी खाना नहीं, मैंने सिर्फ सब्जियां खानी है, बॉइल्ड सब्जियां खानी, नो, यू नीड गुड प्रोटीन्स, यू नीड प्रोटीन्स। वेट लूज करना है स्लोली, हर महीने, हर साल, ताकि हमारा कंटिन्यूअसली वेट हो। डू नॉट डू एनी क्रैश डाइट, ईटिंग अ वेरी लो अमाउंट ऑफ कैलोरी टू लूज वेट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विल कॉज मसल लॉस, अ लॉट ऑफ मसल लॉस जो ऑलरेडी आपके हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट की चीज आपके लिए, फीमेल्स के लिए है मसल्स। सो आपको खाना है प्रोटीन, दबा के खाना है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन खाना है हर मील में, खाने पीने में 10% से कम शुगर, 10% से कम फैट्स, 10% से कम, और 2300 मिलीग्राम से कम सॉल्ट,
राइट, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है थोड़ी बहुत भी, थोड़ा सा कोल्डर पानी पी सकते हैं तो उससे भी मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस मेक समथिंग यूजफुल टू यू. मेक श्योर कि इसको शेयर ज़रूर करें, सारी फीमेल्स को शेयर करना ज़रूरी है. 40 के ऊपर ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो रहे हैं, थायराइड लेवल्स, तो हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना है. दैट्स ऑल. डोंट गो अवे विदाउट लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो.